Oh, hey brothers and sisters, how are you? I'm AJ and welcome to a new motor world. So आज मैंने पहन ही लिया भाई, मतलब एक दो दिन पहले आ चुके थे मेरे पास पिछले वाली वीडियो एक दो दिन पहले आई वीडियो, आपको बता सकता है उसमें उस वीडियो से समझ में आ गया था, मतलब समझ में तो उससे ही आ गया था जो वो वाली वीडियो जिसमें शुरू में एक्सीडेंट हुआ था उसमें ये समझ में आ गया था कि यार ग्लव्स, मतलब ग्लव्स और कोई भी राइडिंग गियर हुआ वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर हुआ यार, फिर क्या कहते हैं कि सिर्फ मतलब छोटी मोटी चीज़ों से भी एक्सीडेंट हो जाना, और क्या कहते हैं उसको कि सिर्फ मतलब ऐसी चीज़ों से ही इतनी ज़्यादा चोटें आ जाती हैं, मतलब छोटे मोटे एक्सीडेंट से भी। हाथों में बच तो गया पर मतलब स्क्रैचेस पूरे आ चुके थे, पर वही है बस ज़्यादा स्पीड में नहीं था मैं, इस वजह से थोड़ा कंट्रोल में गिरा था पूरा। जितना भी इम्पैक्ट हिस्सा तरह में आया था यहाँ पे आया था मेरा, जितना भी इम्पैक्ट था लगा, मतलब बाइक से मैं एकदम गिराना जितना भी लगा मेरा इस कमर वाले हिस्से पे यहाँ पे आया जितना भी इम्पैक्ट था, और हाथ लगा फिर मतलब ज़्यादा स्पीड में नहीं था इसलिए कंट्रोल वे में गिरा मैं ज़्यादा, फिर मतलब था फिर भी एक थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा सा दर्द भी और थोड़ा एंकल एरिया पे। तो भाई राइडिंग गियर्स कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं भाई, ये जब आप गिर जाते हो ना तभी समझ में आता है। मैं सोच रहा था यार मैं आ चुके थे एक दो दिन पहले यार, मगर छोड़ नमाज नहीं पहने गए, देख लो पहले गिर चुका हूँ मैं, फिर भी मेरे को इम्पोर्टेंस पता है और फिर भी नहीं पहन रहा था मैं। और भाई अब तो मैंने सोच लिया कि पहनूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मैं छोटी सी राइड के लिए भी जा रहा हूँ ना वो भी पहन के तो जा रहा हूँ। ये हैं भाई एक्सोर के स्पाइडर SPYDR स्पाइडर, पता नहीं इनका मतलब पूरा नाम क्या, स्पाइडर एक्सोर स्पाइडर ऐसा कुछ है। और क्या कहते हैं इनका, ये हैं लगभग 2000 के बीच बजट के बीच के, इनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपको एक परचेज करने हैं तो। डिस्क्रिप्शन में मेरे ना कि एफिलिएट लिंक है, अगर आपको उनमें से कुछ ख़रीदना है तो प्लीज़ मेरे लिंक से ख़रीद लो यार, थोड़ा बहुत तो मेरे को वो मिल जाएगा, आप थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए यार मेरे से, कुछ तो हो जाए, पर अभी तो ज़ीरो है, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ क्लिक्स आए हैं, किसी ने कुछ ख़रीदा है नहीं। सो आई हैव मतलब मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको उन लिंक्स उनमें से कुछ उन प्रोडक्ट्स में से जो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कुछ ख़रीदना तो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से खरीदिए प्लीज़, एफिलिएट लिंक्स है सबको पता है, तो थोड़ा बहुत हो जाए एक जितना भी होता है ओके। तो प्लीज़ उनमें से अगर आपको कुछ ख़रीदना तो उनमें से खरीदे। आज कई दिनों बाद मैं हेलमेट पे लगाया कैमरा, मतलब जितना भी था इनके बीच के डेज से, मतलब एक लास्ट वीडियो जो मैंने शूट की थी प्रॉपरली इसमें हेलमेट पे लगा के वो थी माउनो काई 400 और रोड ग्लोबल गियर वाली माइक से ना भाई, क्या यार बीच में खड़ा हो रहा है भाई, नहीं भाई भाई मैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कुछ और पीछे तो कोई मेरे को सुन रहा नहीं भाई, मैं क्या होता है तो बीच में ऐसे हाथ कर रहा हूँ, मेरे को लक्षण समझ में आ गया यार, ऐसे को तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकता है, प्रॉपरली साइड में खड़ा होकर कह सकता है ना, फिर भी बीच में आके कह रहा है ना। वहाँ लास्ट वीडियो बहुत ही 400 रोड के लवालियर माइक की, उसमें मैंने प्रॉपरली कैमरा को आगे लगाया था कि कैसे उसकी साउंड है, आज साउंड रिकॉर्ड हो रही है इसमें ही माउनो के माइक में, ठीक लगा यार मेरे को ये, मतलब ऑडियो अडैप्टर के बाद साउंड पता है आज, और मोस्टली मैं वहाँ लगाता था ना कैमरा, वो एक्सीडेंट भी उसी में रिकॉर्ड हुआ, और ये हो गया कि बहन तो कई दिन हो चुके मेरे को यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ, तो आज मेरे को वेट फील हो रहा है मेरे ना, तो कई दिन हो चुके थे मेरे को, मतलब आदत ही हो गई थी कैमरा मेरे को फील ही नहीं होता था आगे से, आगे कि मैंने कैमरा भी लगा रखा हेलमेट पे, पर अब पता नहीं कई दिनों बाद लगा तो वेट सा फील हो रहा है क्योंकि बहन से कुछ ज़्यादा ही लगा दिया यार वेट, मतलब आराम से नहीं कहा 300 से 400 ग्राम के लगभग, 300 से 400 ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, मतलब 250 से 300 ग्राम के बीच में होगा कि माउंट के साथ, माउंट का भी तो वज़न हो जाता है यार, फिर स्क्रूज का, कैमरा का तो बहुत कम वज़न है अगर साइज़ के हिसाब से देखें, साइज़ बहुत छोटा सा, छोटू सा साइज़ इसका, तो आज इसका वेट पूरा फील हो रहा है मेरे को।
और इनका साइज बताओ ना, तो इनका ट्रिपल एक्सएल साइज है, मतलब ट्रिपल एक्स और एल, ट्रिपल एक्सएल साइज, और कोई साइज था ही नहीं यार। मैंने सोचा बहुत ही बड़े आएंगे यार, मतलब मेरी जो ये वाली फिंगर होती है ना, मिडल फिंगर, ये बिल्कुल इसके एंड को टच कर रही है, पिंकी और पिंकी फिंगर वगैरह तो थोड़ी बहुत छोटी है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, पर मिडल फिंगर जो है ना पूरा टच कर रही है इसके एंड को, तो मतलब साइज लगभग फिट है ये। और इसमें पिंकी फिंगर प्रोटेक्शन भी है, देखो ये यहाँ पे है ये, तो इसमें अगर मान लो ऐसे अलग से पिंकी फिंगर पे दिक्कत हो ना, तो ये इतना अलग नहीं है। सबसे ज़्यादा ये मैंने यूट्यूब पे देखा था कि अगर हाथ से कुछ एक्सीडेंट होते हैं और हाथ रखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा पिंकी फिंगर के टूटने का डर होता, तो इस वजह से ग्लव्स में ये पिंकी फिंगर प्रोटेक्शन दी जाती है। तो इसमें तो है भाई, बढ़िया है तो, और पता नहीं बहन साहब बूंद आ रही है, बारिश इस मौसम में क्यों आ रही है, मेरे को बहुत गलत लग रहा है यार ये, क्योंकि देखो अब है ये गेहूं का मौसम, मतलब गेहूं की कटाई का मौसम, हर किसी की गेहूं कट रहे हैं, टुकड़ा कट रहा है, टुकड़ा बन रहा है, देखो यहाँ पे कटे हुए हैं, उस साइड नहीं कटे हुए, किसी के कटे कट चुके हैं, किसी के नहीं कट चुके हैं, हमारे तो कट चुके हैं भाई, हमारे घर पे गिरे हुए हैं खुले एरिया में, ताकि वो थोड़े से उनको सूखा दे जाए इनको। और इस मौसम में जैसे जब बारिश आती है ना, तो बहन तो इतना वो लगता दिक्कत ज़्यादा इस मौसम में क्यों है। और जैसे टुकड़ा वगैरह बनाने के लिए अगर ये जो नीचे बचते ना, ये फांस कहते हैं हमारे, तो यहाँ पे नीचे जो ये बचते हैं गेहूँ के, ऊपर का मेन काम का मेन जो गेहूँ के दाने होते हैं वो निकालने के बाद, इनसे टुकड़ा बनता है, इससे स्ट्रो रीपर्स वगैरह से, तो ये अगर गीले हो जाते हैं ना, तो वो भी दिक्कत होती है यार। तो इस मौसम में बारिश बहुत गलत चीज़ है यार। और आज 9 बजे पहुँचना है आज, मतलब अब टाइम थोड़े दिन बड़े होने लग गए हैं, तो अब इजीली मैं टाइम से पहुँच सकता हूँ, अब मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आज 8, अब देखो 8 भी मुश्किल से गुजरे हैं, थोड़े सी आगे 1 घंटे आगे बाइक का टाइम, तो आराम से पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तेज भगाने में क्या माइलेज की गाँव मर रही हो, पेंट और कुछ नहीं हो रहा यार, ऐसी तैसी हो रही है माइलेज कुछ नहीं, बट मिल जाऊँगा तेज भगाने से। उस दिन के मतलब जो वो ठोका ना, मैं उसमें मैंने वो वीडियो करूँगा मैं एडिट, पर ये वीडियो आपको उसके बाद ही मिलेगी देखने को, सीधी सी बात है। पर उस दिन मैंने ये सोचता रहा कि पूरे दिन में यार, कि मैंने इतना कुछ तो गलत किया है, नहीं था यार, कि मतलब इतनी बड़ी गलती तो मेरी थी, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था यार, कि भाई आपका स्टैंड नीचे है, इसको ऊपर कर लो, बस 1-2 सेकंड, मतलब ये ग्लव्स में मेरे को इतनी ज़्यादा कोई गर्मी वगैरह फील तो हो नहीं रही, इनमें सर्कुलेशन ठीक लग रहा है मेरे को, मतलब इनको मैं घर पे बैठ, मतलब बिना बाइक पे भी राइड करते, बिना राइड करते भी इनको मैं आराम से बैठ पहन के बैठ सकता हूँ, इतना ठीक है ये भाई, कि इनमें मतलब मेरे को ज़्यादा वो हाथों में पसीनों वाले कोई दिक्कत लग सकती है नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ, अबे यार इसकी स्क्रीन रिस्पॉन्स नहीं कर रही, घड़ी की स्क्रीन ने रिस्पॉन्स कर दिया ग्लव्स के साथ, पता नहीं है कि उंगली में है कि स्क्रीन को टच कर सकता है, पता नहीं घड़ी की स्क्रीन ने रिस्पॉन्स दे दिया, इसकी स्क्रीन रिस्पॉन्स नहीं दे रही।